मेरा नाम अनुभा नागर है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। थाउजेंड की बात है, तब उस टाइम मैंने बहुत हैवी स्टेरॉइड्स लिए थे जिसके कारण मुझे पेन्स होते थे लाइक लैक्स में। तो उस टाइम मुझे कुछ ऐसी डिसीज़ हुई थी जिसके कारण मुझे मैंडेटरीली लेना पड़ रहा था स्टेरॉइड। तो मैं थोड़े टाइम तक मैंने अवॉइड किया पैरों में जो पेन होता था मेरे, धीरे धीरे पेन जो था अनबेरेबल हुआ। तो इट वॉज लाइक कि मैं पेन किलर्स लेती थी बट उसको मैंने अलाउंड टू मंथ्स हुआ होगा, तब तक मैंने नहीं गई मैं डॉक्टर के पास। आई वॉज टेकिंग लाइक पेन किलर्स ओनली। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, उनने बोला कि आप एक बार देख लीजिए MRI करवा के सारी चीज़ें। तो मैंने MRI करवाई, उसमें मुझे डिटेक्ट हुआ एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमरल हेड। मेरा जो लेफ्ट वाला लेग था उसमें थर्ड स्टेज था एंड राइट वाला जो था उसमें सेकेंड स्टेज डायग्नोज हुआ था। तो डॉक्टर के पास जब मैं वापस गई, उनने मुझे बोला कि इसका तो एज सच कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, आपको रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ेगा। एट दैट टाइम आई वॉज रियली शॉक्ड बिकॉज मेरी इतनी एज नहीं थी उस टाइम पे कि मैं रिप्लेसमेंट की तरफ जा पाऊँ। सो मैंने फिर गूगल किया, थोड़ी बहुत रिसर्च करी, पता किया, तब मुझे ऑस्ग्रो के बारे में पता चला, स्टेम सेल थेरेपी। मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स से कंसल्टेशन लिया, वहाँ से फिर मुझे कॉल बैक आया, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई अपने बारे में, देन दे टोल्ड मी दैट इट विल गेट क्योर, आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। और मुझे 3-4 पेशेंट से भी बात करवाया उन्होंने। ठीक है, मैं उसके बाद फिर अलाउंड 2020 में मैं मुंबई गई, वहाँ पर मैंने स्टेम सेल थेरेपी का ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आपको फिर से नहीं होगा, जो प्रोग्रेशन है आपकी डिसीज़ का वो वहीं पे स्टॉप हो गया है। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, मतलब अराउंड 7 to 8 मंथ्स वाज नॉर्मल, मैं नॉर्मल ही मतलब विदाउट पेन सारी चीज़ें करती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर से मुझे पेन स्टार्ट हुआ, लेफ़्ट लेग में ज़्यादा होता था, राइट लेग में कम होता था। बट मेरा वर्किंग भी था तो मैंने वो चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट करी। जब डॉक्टर को फिर से पूछा तो ही टोल्ड मी दैट हो सकता है शायद आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ले रही हैं, इसके कारण आपको ये हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अराउंड लास्ट ईयर की बात है, बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन हुआ, दैट वाज नॉट बेरेबल फॉर मी। मैंने फिर से एक्सरे करवाया, उसमें मुझे पता चला कि मेरी जो डिसीज़ थी वो उस टाइम से धीरे धीरे प्रोग्रेशन में ही थी, नहीं था उसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपकी डिसीज़ स्टॉप हो चुकी है और अब बाद में AVN आपको नहीं होगा। एंड द थिंग वॉज दैट एट दैट टाइम कि मेरी डिसीज़ प्रोग्रेसिव वे में होते हुए जो राइट लेग मेरा सेकेंड में था वो थर्ड में चला गया था एंड फोर्थ तो मेरा कोलैप्स हो गया है, फोर्थ स्टेज कोलैप्स थी लेफ्ट लेग की। मैंने फिर से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करके चीज़ें देखनी स्टार्ट करी कि नहीं ऐसा कोई वे तो होगा जिसके कारण मैं रिप्लेसमेंट को स्ट्रेच कर सकूँ या उससे बढ़ सकूँ, उसको अवॉइड कर सकूँ। मैंने फिर दिल्ली में देखा कि ग्लोबल स्पाइन जो है हमारा उसमें लेज़र ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे। वहाँ पे सुनील जी हैं, उनसे मेरी फ़र्स्ट टाइम बात हुई थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ये का कुछ मतलब जनवरी दिसंबर एंड में मैंने उनसे बात करी थी, मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी बताई थी एंड उनने इतने पॉजिटिवली सारी चीज़ें हैंडल करी, सब चीज़ें मुझे बताई कि अनुभव जी आप एक बार यहाँ पे आइए, डॉक्टर से मिलिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे और आप पेशेंट से भी बात करिए जो चीज़ें ये चीज़ें ले रहे हैं, आपको डेफिनेटली हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मैंने अपॉइंटमेंट लेके मैं दिल्ली आई, उसके पहले मैंने पेशेंट से भी बात करी, मुझे अच्छा लगा सारी चीज़ें सुन के कि लेज़र ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव है, अगर आपकी फोर्थ स्टेज है तो भी आप उसको उससे मतलब आप रिप्लेसमेंट से बच सकते हो अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो तो। यहाँ पे आके मैंने हरा प्रसाद सर से बात करी तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, उनने मुझे और चीज़ें बताई और उनने बोला कि आपको रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ एक टाइम ऐसा था कि मुंबई वाले डॉक्टर्स ने जब ये चीज़ प्रोग्रेशन में थी, मैंने उनको उस टाइम पे कॉल किया, पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो आगे हो भी सकता है किसी पेशेंट को, तो आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। बट इधर हरा प्रसाद सर ने मुझे ये चीज़ बोली कि आपको अभी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। तो मैंने जनवरी में फिर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया।
फर्स्ट जो मंथ था मेरा, तब पेन जो था इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं हुआ था, बट जो डिसीज़ थी वो धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे मुझे बताया गया था कि आपकी जो रीवैस्कुलर है, अब वैस्कुलर है, वो रीवैस्कुलर मोड में चला जाएगा, मतलब डिसीज़ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। देन फर्स्ट मंथ मैंने ट्रीटमेंट लिया, सेकेंड मंथ फिर मैंने जब दोबारा ट्रीटमेंट लिया तो मुझे जो इफ़ेक्ट है उसका आने लगा धीरे धीरे। बट जो डॉक्टर्स हैं उनने मुझे बोला कि आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी, आपका अगर ये ट्रीटमेंट है आपको एक्सरसाइज भी मैंडेटरीली करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके सिक्स मंथ्स मैंने लिया, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब यहाँ पे मुझे लोग देखते हैं, दे वर नॉट एबल टू बिलीव कि मुझे फोर्थ स्टेज है और मैं अभी भी चल पा रही हूँ, जो भी मतलब कोलैप्स हो चुका है। जब मैंने दिसंबर में यहाँ पे आने से पहले एक्सरे करवाया था, तब उस टाइम पे मुझे ऑस्टियोपोरोसिस भी स्टार्ट हो गया था, मेरा बोन भी कोलैप्स हो गया था, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता था। मतलब ऐसा होता था कि नाइट में इतना अनबेरेबल होता था कि मैं रोने लगती थी, इतना अनबेरेबल पेन होता था। लेकिन यहाँ पे सिक्स मंथ्स के बाद मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, डॉक्टर ने फिर से एक्सरे करवाया तो जो डिसीज़ प्रोग्रेसिव थी वो वहाँ पे स्टॉप हो चुकी थी, ऑस्टियोपोरोसिस भी बंद हो गया था, अर्थराइटस भी जो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, मीन्स एट दी एंड जो भी था वो सारी चीज़ें वहाँ पे हील अप होना स्टार्ट हो गई थी। एंड अभी मेरा फॉलोअप चल रहा है, मैं 3 मंथ्स के बाद फिर से आई हूँ, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आपको अगर रिप्लेसमेंट से बचना है तो आप ये ट्रीटमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए, बट एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको आपके स्केड्यूल, आपके रूटीन में भी काफ़ी चेंजेस लाना पड़ेंगे। मींस आपको एक अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज जो आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जैसे मुझे आज रिज़ल्ट मिला है इसका, आपको भी मिलेगा।